कुलशन शरण सिंह को कितना बार पुलिस थाना में बुलाया गया? एक बार भी नहीं, क्या उनको उनके खिलाफ कोई भी उनका प्रॉपर्टी सीज हुआ? नहीं नहीं हुआ। क्या उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसका कोई वाइट पेपर सामने आया है? नहीं आया है। तो या साक्षी मलिक को या फिर बाकी सारे रेसलर्स को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो शायद सही नहीं था। उनको अर्जुन अवार्ड मिला गया, वो अर्जुन अवार्ड त्याग वाह, दी, त्याग वापस दी। दे दी, तब भी कोई आवाज नहीं आया। और तब लोगों में उनकी जितने सारे भक्त मंडली है उन्होंने कहा कि अवार्ड वापस दे रही हो, पैसा भी वापस दे पैसा भी दो। वापस दे दो। तो इन्होंने देखो ब्रॉन्ज जीता, उनको हालांकि आप तुरंत कॉन्ग्रेचुलेट कर दिए, कॉल तो करा जिनका आपने। सिल्वर अश्योर था हाँ उनको तो आप ट्वीट करेंगे ना जो जी, गोल्ड के लिए खेल रही है। तो और सबसे बड़ा बात है कि वो पहला महिला रेसलर होती, अगर फाइनल्स में खेलती तो वो पहला महिला रेसलर होती फाइनल्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट अगर करती, सिल्वर भी जीती तो। सिल्वर भी जीती तो और गोल्ड के लिए भी जाती थी, तो वो पहला महिला रेसलर। हाँ बहुत कुछ है कि सरकार ने अपनी तरफ से कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था विनेश फोगट के लिए जबकि उन्होंने आवाज उठाई थी सरकार के खिलाफ, और हाँ जब आवाज उठाने के बाद उनको भरोसे की एक जरूरत थी, क्या वो भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया? आज पीटी उषा जाके उनसे मिल रही है हॉस्पिटल में, लेकिन वही पीटी उषा बीजेपी का सांसद भी है राज्यसभा में और हाँ वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी। भी है। तो हाँ आज जब वो जाके मिल रही है तो लोगों में ये विश्वास नहीं आ रहा है कि आपने जब विनेश फोगट को विश्वास नहीं जताया जब उनको जरूरत थी, तब आज उनको उनको जाके मिलने से क्या फायदा होगा? आपके लिए लास्ट सवाल, आपके लिए क्या लगता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल इन दिस इंसिडेंट? आई विल इट इज वेरी डिफिकल्ट राजा जी के आप किसी को रिस्पॉन्सिबल कहे, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगा जिस तरीके से पूरा इस मैटर को हैंडल किया गया था वो शायद सही नहीं था। जब हम लोग सब जर्नलिस्ट हैं, हम लोग को बताया जाता है कोई अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर कंप्लेन हो और उस कंप्लेन को पुलिस के पास रजिस्टर किया गया हो तो पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा क्या मैटर सही है या नहीं। ये नहीं कहा जाता है कि आप जाके इमीडिएटली अरेस्ट कर लो, लेकिन इतना तो है कि आप उनको इन्वेस्टिगेट करो। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कितना बार पुलिस थाना में बुलाया गया? एक बार भी नहीं, क्या उनको उनके खिलाफ कोई भी उनका प्रॉपर्टी सीज हुआ? नहीं नहीं हुआ। क्या उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसका कोई वाइट पेपर सामने आया है? नहीं आया है। मैटर सब जूडिस है, लेकिन उसके बावजूद जब आप कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग लड़कियों के साथ है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हम लोग कोई एक्शन ना लिए, तब लोगों में सवाल जन्म लेता है क्या आप जो कह रहे हैं और आपके एक्शंस जो है उसमें अंतर है या सिमिलैरिटी है? तो लोगों में ज्यादातर ये मानना है कि एक्शंस और कहना और एक्शंस में अंतर बहुत ज्यादा था। तो उसी जगह से अगर देख के बात करें तो जिस तरीके से विनेश फोगट हो या साक्षी मलिक हो या फिर बाकी सारे रेसलर्स को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो शायद सही नहीं था। उनको अर्जुन अवार्ड मिला गया, वो अर्जुन अवार्ड त्याग वाह, दी, त्याग वापस दी। दे दी, तब भी कोई आवाज नहीं आया। और तब लोगों में उनकी जितने सारे भक्त मंडली है उन्होंने कहा कि अवार्ड वापस दे रही हो, पैसा भी वापस दे पैसा भी दो। वापस दे रहा हूं तो आप तो सोचो पैसा किस जी। किस लेवल का मेंटेलिटी है। तो इसीलिए अगर एक स्पोर्ट्समैन को ऑनर करना है तो अर्जुन अवार्ड जरूर दीजिए, लेकिन सबसे पहले एक स्पोर्ट्समैन बन के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अपलिफ्टेड रखे, उनको सम्मान दीजिए। मांग ज्यादा नहीं थी। अगर अगर विनेश फोगट गलत थी, अगर वो लोग किसी साजिश का हिस्सा होके ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ कह रही थी तो आप खुला आप इन्वेस्टिगेट करके सब साबित कर दो, देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने तो वो किया नहीं। तो जब आपने चुप्पी ठान के रखा था तो उस चुप्पी पे बहुत सारा सवाल उठ सकता है। 10 बजे तक हम लोग को मालूम चल गया था, सबको मालूम चल गया था कि विनेश फोगट जीत रही है, सिल्वर उनका कंफर्म पक्का पक्का है, और तब सेलिब्रेशन शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है वो आज वो सुबह आज आया। सुबह है हाँ 12:49 में, हाँ यानी 12:49 PM में, और वो ट्वीट कंग्रेचुलेशंस नहीं था, वो ट्वीट एक यू नो सहानुभूति कॉन्सोलेशन टाइप से। सहानुभूति टाइप का था हाँ कि आपके साथ हमारा भी दिल टूटा है, आप देश की बेटी हो, आप जीत गई हो, ब्ला 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 चैंपियन हो। चैंपियन हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है, ये यू नो प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उस ट्विटर हैंडल से रात को 11:30 बजे 12:15 बजे भी ट्वीट आया है। चलिए ठीक है, आप रात को जल्दी सो गए, सम्मान के साथ कहते हैं आप जल्दी सो गए, सो भी सकते हैं, और सुबह आप 9 बजे तक उठ गए, 10 बजे तक उठ गए, 10:30 बजे तक उठ गए, 11 बजे तक उठ गए, 11:30 बजे तक उठ गए। जो इंसान 18 घंटा 20 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री है वो खुद कहते हैं कि मैं सोता ही नहीं हूं, वो सोते ही नहीं है। तो उनको तो मालूम चल गया होगा था ना ये 11 बजे तक कि सुबह के 11 बजे तक सुबह ये 11 बजे तक। विनेश फोगट जीत जीत रही है, और तब तक तो आपको भी मालूम नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है, इंडियन ओलंपिक कमेटी को भी मालूम नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई होगी। तो अगर डिस्क्वालीफाई की इंफॉर्मेशन किसी के पास मालूम नहीं है तो प्रधानमंत्री जी क्यों वेट कर रहे थे 12:49 तक कि खबर आए उसके बाद मैं ट्वीट करूंगा कॉन्सोलेशन?
आप बाकी सारों को, बाकी जितने सारे जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता हालांकि उनको आप तुरंत कॉन्ग्रेचुलेट कर दिए, कॉल कर, जिनका सिल्वर अश्योर था उनको तो आप ट्वीट करेंगे ना जो गोल्ड के लिए खेल रही है तो। और सबसे बड़ा बात है कि वो पहला महिला रेसलर होती अगर फाइनल्स में खेलती तो, वो पहला महिला रेसलर होती फाइनल्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट अगर सिल्वर भी जीतती तो, सिल्वर भी जीतती तो और गोल्ड के लिए भी जाती थी तो वो पहला महिला रेसलर होता। तो आप वही कंग्रेचुलेट कर दीजिए, आपने किया नहीं है। तो मेरा उतना ही कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी का नेता, इतना सबसे ज्यादा जिनके पास फॉलोअर्स है ट्विटर में, उनके पास खबर तो इतना देर तक रुक नहीं सकता है। और बाकी मैं तो बायोलॉजिकल इंसान हूं और मैं क्या ही बोलूं, बोलिए। थैंक यू। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।